भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज उनका तिरंगा लेकर परेड भी है। किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 2 जत्था दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी भेजा। साथ ही आज गणतंत्र दिवस के मौके पर महागठबंधन के किसान के समर्थन में आयोजित तिरंगे के साथ ट्रैक्टर एवं बाइक रैली के साथ हमारा संगठन AISF भी दर्जनों ट्रैक्टर एवं बाइक लेकर आया है। उपयुक्त बात है, किसानों के समर्थन में आयोजित ट्रैक्टर रैली के मौके पर AISF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमीन हमजा एवं जिला कोषाध्यक्ष अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा, जिस विश्वास के साथ देश के अंदर संविधान लागू हुआ, आज उस संविधान के अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए देश को अन्न देने वाला किसान आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। संविधान संवैधानिक मूल्यों अधिकारों को बचाने के लिए पूरे देश के लोगों को किसान के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जिला मंत्री किशोर कुमार, SBSS कॉलेज छात्र संघ कोषाध्यक्ष विपिन कुमार, बसंत कुमार ने संयुक्त रूप से कहा, सरकार ने इस देश के अन्नदाता के विरोध में 3 बिल पास कर किसानों का गला घोटने का काम किया है। इससे पहले छात्रों का दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर एवं लगभग 50 की संख्या में मोटरसाइकिल, हाथ में तिरंगा एवं अपने संगठन का झंडा लेकर किसान नेता शहर रजोड़ा के पैक्स अध्यक्ष बलवंत राय के नेतृत्व में रजोड़ा से जमावड़ा स्थल कपासिया पहुंचा। वहां पहले से सैकड़ों की संख्या में मौजूद महागठबंधन के घटक दलों जत्था के साथ कतार में लग गया। फिर उनके द्वारा पहले से के रूट चार्ट के हिसाब से वो लोग भी रैली में शामिल रहे। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।